आज हम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज वी नो, हमारे पूरी मॉडलिटी में इंट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वी विल स्टार्ट विथ थर्ड आई मेडिटेशन एंड आई विल गाइड यू। हमें कुछ नहीं करना, बट यू व्हाट यू विल फील, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे टच करेंगे, ओके। और जिसके पास है वो इसके साथ करेंगे, ठीक। तो हमें करना कैसे है, लेफ्ट हैंड में ये पकड़ के या फिर लेफ्ट हैंड के फिंगर को यहाँ टच करना है। क्लोज योर आईज, लेट अस इनवोक ऑल द एंजल्स एंड द आर्कएंजल्स। वी हम्बली इनवोक यू फॉर योर डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। वी हम्बली आस्क यू टू एक्टिवेट अवर थर्ड आई सो टू एनहेंस अवर इंट्यूशन। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस एंड फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स। फील द टच ऑफ क्रिस्टल और योर फिंगर बिटवीन द आईब्रोज। कीप ब्रीदिंग एंड कीप योर कंप्लीट फोकस ओवर द टच। ब्रीदिंग विजुअलाइज अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट, व्हाइट लाइट ऑन योर आगे चक्र। कीप योर कंप्लीट फोकस ओवर द ब्राइट लाइट। आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल स्टार्ट फीलिंग द पल्सेटिंग सेंसेशन ऑन योर फिंगर और द क्रिस्टल। Feel the rhythm of this pulsation. Simultaneously, visualize the white light. It's getting bigger, brighter, and bigger. Visualize all your guides, spiritual guides, angels, archangels surrounding and blessing you. White light from their hands is getting assimilated in your Ajna Chakra, and the white light on your Ajna Chakra is even getting stronger and bigger. Be in this white light. Let this light absorb in each and every cell, in your energetic body, in your physical body, in your aura. It will raise your vibration
वाइब्रेशन The more you will raise your vibration, you will start seeing a purple ball of light from your inner eyes. Breathing and feel the vibration, be in the light. Ask your guides to open your third eye. And keep it protected. Slowly, slowly, you will keep your hands down. Keep your hands down and feel the pulsation, feel the aura. Be in the aura. मैम पेन का यूज भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे पेन के लिए पे? स्टोन को क्या बोलेंगे मैम? ये वाला स्टोन है ये थर्ड आई स्टोन। जो आपने सेंड किए थे वही है क्या या अलग हाँ है? अच्छा आपने ऑर्डर किया होगा तो सेट आया होगा आपके पास। ठीक स्लोली स्लोली यू मे ओपन योर आईज एज यू फील कंफर्टेबल। हैवीनेस है, पल्सेशन फील हुआ। अब आपकी सारी एनर्जी उठकर आपके क्राउन चक्र, आग्नेय चक्र पे, उसने उसको बड़ा कर दिया है। हमारा बेसिक मोटिव क्या है? जब हमारे अपर चक्रास बिग होते हैं, बिगर होते हैं, ठीक है, देन वी आर मोर रिसेप्टिव, वी आर मोर इंट्यूटिव। आप में से किसी को कभी ऐसा हुआ है जैसे कुछ बहुत फाइन आवाज आई हो, जैसे व्हेन यू डू नॉट हैव टिनिटस, लेकिन वो एकदम से आवाज आती करके कान में, राइट? सी दीज आर दी वाइब्रेशंस। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं आपको कुछ कहना चाहती हैं, आपके लिए होती है, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाते क्योंकि हमारी वाइब्रेशन इससे मैच नहीं करती, ठीक है? तो ये जो हमारा वाइब्रेशंस को अपर हायर वाइब्रेशंस करना होता है,
उससे जो हमारी वाइब्रेशन जब मैच करती है तो वो डाउनलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इजी हो जाती है। वो जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए आई है उसको डाउनलोड करना बड़ा इजी हो जाता है। तो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू डाउनलोड ऑल दोस इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे अपने एंजल्स आर्कएंजल से, वो बहुत जल्दी मिलेगी। आप मेडिटेशन करके कोई भी एक्टिविटी करेंगे, क्रिस्टल हीलिंग करेंगे, बहुत जल्दी हम वॉल गेजिंग करेंगे, आपको सब कुछ नजर आने लगेगा। ठीक है, तो ये आप रोज करिए। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द हायर गोल। जी प्रमिला जी, क्योंकि मैम वो हैंड है ना, बार बार शिफ्ट हो रहा था, चार एनर्जी आ रही थी ना, ये पांच सबसे बार उसने शिफ्ट कर दी। सबसे ज्यादा सेंसिटिव चक्र हमारा आग्नेय चक्र होता है। एनीवन कैन फील इट। तो जब हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, कुछ भी रखेंगे, तो ये चक्र जो है अपने आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारा आग्नेय चक्र होता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए अब कितना ज्यादा शक्तिशाली आपका आग्नेय चक्र। राइट जी प्रियंका जी, मैं प्रमिला दीदी के आगे चक्र बहुत शक्तिशाली है। मैं वही जी बोल रही थी मैम, जब मैं एक बार मैं यूट्यूब से मैं सेवन चक्रास की वो हीलिंग कर रही थी ना, तब मैं बहुत पहले 5-6 महीने पहले मैं कर रही थी, तो मैं करते 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 जब आगे चक्र पे आई, तब वो मेरा यूट्यूब बंद हो गया अचानक से। अब वो क्यों बंद हो गया नहीं पता, और मेरे कानों में 3 3 टाइम्स वो वाइब्रेशन सुनाई दिया, थ्री टाइम। और जो 3 टाइम से क्या हो गया, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, ये फिर से स्टार्ट में 3 टाइम ये वाइब्रेशन क्यों स्टार्ट हो गया, फिर से वापस वो जब आज्ञा चक्र फिनिश हो गया, तब मैं जब ऊपर आई तब वो ऑन हो गया। ओके एक्चुअली क्या था कि वो उस वक्त शायद कुछ एनर्जीज ऐसी प्ले कर रही थी, आपकी एनर्जी केपेबल नहीं थी उसको लेने के लिए। अच्छा अब आपकी एनर्जी धीरे धीरे प्रिपेयर हो रही है, दोबारा करके देखिएगा हो सकता है हो जाए।